गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? यू आर वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल ऑनलाइन क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है नायक और अमर नायक। यह एक प्रणाली होती थी विजयनगर साम्राज्य के अंदर लेसन 7 में। इसमें आपका हिस्ट्री के अंदर हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के अंदर सेम कॉमन टॉपिक है। असाइनमेंट नंबर 56 बोथ फॉर इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम। इसके अंदर हम नायक प्रणाली के बारे में बताते हैं। ये मिलिट्री चीफ्स होते थे। मिलिट्री चीफ्स जैसे सैन्य प्रमुख जिसे कहें हम, आज भी हमारे सेना के प्रमुख हैं, इसी तरीके से उस समय भी सेना के प्रमुख होते थे। यूजुअली कंट्रोल्ड फोर्स। ये क्या करते थे नायक? आम तौर पर किलों की सुरक्षा करते थे। जो दुर्ग होते थे, जैसे सीमा की बाउंड्री के साथ साथ कहीं कहीं पर दुर्ग बनाए जाते थे, और दुर्ग बनाने का सिर्फ एक ही मकसद था कि बाहर से होने वाला जो भी हमला था उसको किसी तरह से समय रहते नियंत्रण कर लिया जाए, या बाहर से आने वाली सेना है उसके बारे में पता चल जाए और अपनी सेना को, बाकी सेना को आगाह कर दें और तुरंत अपने पोजीशन लेकर के उसका विरोध करने के लिए आगे आएं या संघर्ष करें। इसके बाद आगे बताया गया है आर्म्ड सपोर्टर्स। ये पूरी तरीके से युद्ध सामग्री जितनी भी होती थी, युद्ध सामग्री के अंदर बहुत बड़ी सपोर्ट ये देते थे। इनके पास काफी जखीरा मौजूद रहता था, जैसे गोला है, बारूद है, जो भी वो इस्तेमाल करें। जैसे कि उस समय पर इस तरह के जो हथियार होते थे वो बहुत कम यूज होते थे, जैसे आमतौर पे तलवार हैं, भाले हैं, कटार है, बर्ची है, इस तरह के ज्यादा यूज होते थे। ऑफन मूव वन प्लेस टू अनदर। ये हमेशा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते थे, क्योंकि इनको प्रत्येक स्थान पर शांति व्यवस्था की जिम्मेदारी भी इनकी थी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर देखें कि कहीं कोई विद्रोह तो नहीं हो रहा है या फिर कहीं से बाहर से कोई हमला तो नहीं हो रहा है। इसके बाद अकम्पनीड बाय पीजेंट्स। इनको किसानों से भी सहयोग मिलता था, क्योंकि ये किसानों की बहुत ज्यादा सपोर्ट करते थे। किसानों को उपजाऊ भूमि ढूंढने में मदद करते थे, उसका बंदोबस्त करने में मदद करते थे। यानी किसान की, मान लीजिए बंजर जमीन ज्यादा हो गई है, तो उसको उपजाऊ जमीन उसके बदले प्रोवाइड कराने की कोशिश करते थे। तो ये मतलब इनकी एक बहुत अच्छी बात है, जो किसानों से इनका लगाव था। इसके बाद आगे बता रखा है स्पोक तेलुगु एंड कन्नड़ लैंग्वेज। ये स्थानीय लोग होते थे, स्थानीय लोगों के प्रभाव में रहते थे, स्थानीय लोग इनके प्रभाव में रहते थे। तेलुगु भाषा और कन्नड़ भाषा, कन्नड़ भाषा जो कि कर्नाटक की, कर्नाटक क्षेत्र के जितने भी नायक होते थे वो कन्नड़ भाषा बोलते थे। आंध्र प्रदेश के जितने भी नायक होते थे वो तेलुगु भाषा बोलते थे। इस तरह से स्थानीय लोगों को ही ये जिम्मेदारी प्रदान की गई थी। मोस्टली सबमिसिव टू द अथॉरिटी। ये सत्ता के प्रति अपना शीश झुकाते थे। यानी ऐसा नहीं था कि विजयनगर साम्राज्य के शासक के प्रति ये उसका मतलब एक तरह से विद्रोह करके खड़े हो जाएंगे, ऐसा नहीं था। ये उसके प्रति, उसका, उसके प्रति शीश झुकाते थे, यानी उसका आदर सम्मान रखते थे। समटाइम्स दे ऑल्सो रोज इन रिबेलियन। कभी कभी ऐसा भी होता था कि ये विद्रोह के रूप में या विद्रोही के रूप में भी खड़े होते थे। तो ये था किसके बारे में, था नायकों के बारे में। ये कहां की व्यवस्था हम पढ़ रहे हैं? विजयनगर साम्राज्य की सैन्य व्यवस्था के अंदर नायकों का बहुत बड़ा योगदान है। ये एक तरह से सैन्य कमांडर की भूमिका इनकी रहती थी। जो अमर नायक है उसका औहदा इनसे बड़ा होता है और नायक का औहदा इसमें थोड़ा छोटा होता है। तो जो ये जो पद की बात करें तो ये मिलिट्री चीफ्स होते थे और वो मिलिट्री कमांडर्स होते थे। अमर नायक मिलिट्री कमांडर्स। इसके बाद हम अमर नायक के विषय में जानते हैं। अमर नायक दे वर ए मेजर पॉलिटिकल इनोवेशन ऑफ द रूलर्स ऑफ विजयनगर। नायकों की व्यवस्था दूसरे शासन व्यवस्थाओं में भी देखने को मिल जाती थी। साउथ के जितने भी अन्य जो राजवंश होते थे उनके वहां भी थी, लेकिन अमर नायक की व्यवस्था केवल और केवल विजयनगर साम्राज्य के अंदर देखने को मिलती थी, जो कि एक नया इनोवेशन था, एक नया अन्वेषण था विजयनगर के प्रशासकों का, जैसे कृष्णदेव राय का, देवराय द्वितीय का, इस तरह के शासकों ने अपने मतलब दम पे इस संस्था का विकास किया, अमर नायकों के जो पद है उसको सृजित किया और उसकी विभिन्न प्रकार के योगदान को अपने लिए लाभकारी बनाया। दे वर मिलिट्री कमांडर्स हु गवर्न टेरिटरीज गिवन बाय द किंग ऑफ विजयनगर। विजयनगर साम्राज्य का जैसे जैसे व्यापक विस्तार होता चला गया, जैसे कि हमने पढ़ा है कावेरी से कृष्णा नदी तक और ईस्टर्न घाट से वेस्टर्न घाट तक, यानी पूर्वी घाट से पश्चिमी घाट तक उसका इतना बड़ा विस्तार जब हो गया, तो इतने बड़े क्षेत्र पर अकेला कोई भी एक केंद्रीय सत्ता या केंद्रीय शासक अपना पूरा नियंत्रण स्थापित
प्रॉपर तरीके से नहीं कर सकता, इसलिए उसने अपने अधीन कुछ प्रांतीय शासक छोड़ दिए और उन्हें हम कह सकते हैं अमरनायक। अमरनायकों ने इन्हें छोटे छोटे क्षेत्र, इनको टेरिटरीज प्रदान कर दिए गए और उन टेरिटरीज की जिम्मेदारी इनको दे दी गई कि आपको इनका सारा काम खुद देखना है। इसके बाद आगे बताया गया, दे कलेक्टेड टैक्सेस एंड अदर ड्यूज फ्रॉम द पीजेंट। वे अपने क्षेत्र के अंदर जहां उनकी ड्यूटी रहती थी, जिस क्षेत्र के अंदर उनको प्रशासक बनाया गया था, इन प्रशासकों का किसानों से जो भी उनकी देनदारी होती थी वो वसूलते थे, उनसे टैक्स वसूल करते थे। एंड ट्रेडर्स और व्यापारियों से टैक्स जितना बनता था वो वसूल करते थे। एंड क्राफ्ट पर्सन्स और शिल्पकारों से भी, जो शिल्प कला के रूप में, जैसे कोई भी मूर्तिकार था, कोई चित्रकार था, उनसे भी टैक्स वसूला जाता था, या कोई कपड़ा निर्माण करना जानता था उससे भी। इसके बाद आगे है, दे प्रोवाइड इफेक्टिव फाइटिंग फोर्स। वे एक मजबूत और शक्तिशाली, प्रभावशाली सैन्य बल प्रदान करते थे। इनके पास घोड़े होते थे, इनके पास हाथी होते थे, और सैन्य यानी एक तरह से सैनिक भी बहुत पर्याप्त मात्रा में होते थे, और ये जब मजबूरी होती थी राजा की तो उसको उनकी युद्ध के अंदर अपने सैनिकों का योगदान करते थे। दे ऑल्सो कैप्ट सम कलेक्टेड रिवेन्यू फ्रॉम मेंटेनेंस ऑफ टेम्पल्स एंड इरिगेशन। इनको ये काम दिया गया था कि ये सिंचाई का काम की देखरेख भी करते थे, और मंदिरों के अंदर अगर कहीं से टूट फूट हो गई है तो उसकी मरम्मत का काम भी करते थे। अगर उसमें से कुछ पैसा बच गया है तो वो उसको अपने पास रख लेते थे, क्योंकि इनका अपना भी बहुत ज़्यादा खर्चा होता था। इसके अंदर हम ये भी देख सकते हैं कि ये अपने, जैसे उस खर्चे का करते क्या थे, अपने घोड़ों का रख रखाव करना है, अपने हाथियों का रख रखाव इनको करना है, अपने सैन्य बल के लिए विभिन्न तरह के जैसे हथियार हैं वो इकट्ठे करने, रसद सामग्री पहुंचानी है उसके लिए, तो ये सारा खर्चा करने के लिए इनको कुछ परसेंट इन्हें रखना होता था। जो रिवेन्यू होता था, रिवेन्यू का भी कुछ परसेंट ही अपने पास रख लेते थे। इसके बाद आता है रॉयल कंट्रोल ओवर नायक एंड अमरनायक। अब हमें ये देखना है कि भी शक्तियां तो बहुत हैं इनके पास, नायकों के पास भी बहुत हैं, अमरनायकों के पास भी बहुत हैं, लेकिन इनको नियंत्रण कैसे करें, शाही सत्ता कैसे इनको कंट्रोल करेगी, तो वो कंट्रोल करने की टेक्निक्स यहां पे बताई गई हैं बाय ट्रांसफर। यानी नायकों का भी और अमरनायकों का भी, इन दोनों का ही अगर कोई प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा है तो उसका ट्रांसफर कर दिया जाता था, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर कर देते थे। एनुअल ट्रिब्यूट, एक साल में एक बार अमरनायकों को या नायकों को राजा के शाही दरबार में उपस्थित होकर और उनके प्रति अपना शीश झुकाना होता था, उन्हें सम्मान देना होता था, उनके लिए कोई भी इस तरह की कोई वस्तु या कोई गिफ्ट दे सकते थे। अपीयर इन रॉयल कोर्ट एंड प्रेजेंट गिफ्ट्स। और इसके अलावा पूरे वर्ष में एक बार कंपल्सरी होता था ये सभी अमरनायकों के लिए कि वे राज दरबार के अंदर उपस्थित हों और उसके अंदर रॉयल जो कोर्ट है उसके अंदर अपना शीश झुकाएं, उसके प्रति सम्मान प्रकट करें और राजा के लिए गिफ्ट लेके आएं। तो ये तीन तरीके थे जिनसे अमर नायक और नायकों पर शाही सत्ता यानी कृष्ण देवराय जैसे शासक कंट्रोल करते थे। इसके बाद हम इसको एक बार रिवाइज में लेते हैं। नायक कौन होते थे? मिलिट्री चीफ्स होते थे। उन यूजुअली क्या काम करते थे? आमतौर पे किलों की रखवाली का काम करते थे। किलों पे उनकी जो जिम्मेदारी थी, जैसे युद्ध हो रहा है, लड़ाई चल रही है, तो उस दौरान भी उसको मेंटेन रखते थे। यानी उसको, मतलब अगर एक तरह से किले से वो नियंत्रण करने की कोशिश करते थे, कंट्रोल करते थे, बाहर से सैन्य हमले को रोकते थे। आर्म्ड सपोर्टर्स, वे हथियारों के सपोर्टर होते थे। ऑफन मूव्स वन प्लेस टू अनदर, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। किसानों का इनके साथ में सहयोग होता था। स्थानीय लोग होते थे, तेलुगु और कन्नड़ भाषा बोलते थे। नायक हमेशा स्थानीय भाषा कन्नड़ या तेलुगु बोलते थे। मोस्टली सबमिसिव टू द अथॉरिटी, सत्ता के प्रति अपना शीश झुकाते थे या उनके प्रति अपनी उदारता या लॉयल्टी दर्शाते थे। एंड समटाइम्स दे ऑल्सो रोज इन रिबेलियन, और कभी कभी वे विद्रोही के रूप में भी उठ खड़े होते थे। तो ये तो था नायकों के बारे में। अब देखिएगा अमर नायक, दे वर ए मेजर पॉलिटिकल इनोवेशन ऑफ द रूलर्स ऑफ विजयनगर। मैंने इसमें अभी बताया था कि अन्य, अगर हम किसी भी समकालीन शासक के अगर राज प्रशासन में देखें तो अमर नायकों की कोई व्यवस्था देखने को नहीं मिलती है, लेकिन इन्होंने विजयनगर के शासकों ने एक नया अन्वेषण करके इस पद को सृजित किया और उसके योगदान को अपने लिए लाभकारी बनाया। इसके अंदर दे वर मिलिट्री कमांडर्स, ये सैन्य कमांडर होते थे, और इनको ये जिम्मेदारी दी गई थी गवर्न टेरिटरीज, इनको केंद्रीय सत्ता के द्वारा प्रदान की गई क्षेत्र
का कि मतलब सही तरीके से उसको मेंटेन करके रखना, उसके सभी कार्य संपन्न करवाना, ये सारी जिम्मेदारी इनकी थी। जैसे टैक्स कलेक्शन का काम इनका आगे बता रखा है, दे कलेक्टेड टैक्सेज एंड अदर ड्यूज, ये किसानों से ड्यूज लेते थे, जैसे जो भी देनदारी बनती थी या फिर टैक्स कलेक्ट करते थे। ट्रेडर्स से टैक्स लेते थे, क्राफ्ट पर्सन से लेते थे यानी शिल्पकारों से लेते थे। उसके बाद है दे प्रोवाइड इफेक्टिव फाइटिंग फोर्स, ये सैन्य बल प्रदान करते थे जो कि बहुत प्रभावशाली होता था, और अपने लिए भी राजस्व जो इकट्ठा होता है, जैसे कि मंदिरों के अंदर मरम्मत के काम में या सिंचाई के लिए काम करते वक्त या फिर कोई भी राजस्व का काम करते वक्त अगर कलेक्शन बहुत ज़्यादा आ जाता है तो उसमें से कुछ परसेंट अपने लिए रखते थे, जो कि उनके अपने घोड़ों और हाथियों के लिए इस्तेमाल करने के लिए होता था। अब हम इसमें आगे बताते हैं रॉयल कंट्रोल कैसा रहता था नायकों और अमर नायकों पर। तो इसमें एक तो ट्रांसफ़र कर देते थे, अगर कोई प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा है तो उसका पद छीन सकते थे या ट्रांसफ़र कर सकते थे। एनुअल ट्रिब्यूट एक साल के अंदर एक बार आकर के और सीस झुकाना होता था, जिसमें लॉयल्टी का प्रदर्शन होता था, उदार है या नहीं है, उसके प्रति उसकी उदारता है या नहीं। अपीयर इन रॉयल कोर्ट, ये उसकी उपस्थिति है, अटेंडेंस हो जाती थी, साल में एक बार उसको बुलाया जाता था कि वह रॉयल कोर्ट में आए, खुद उपस्थित हो, उसका मतलब उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं आना चाहिए, खुद उसे आना चाहिए, एंड प्रेजेंट गिफ्ट, और राजा के लिए उसे गिफ्ट देना जरूरी था। धन्यवाद। आगे आपका टॉपिक है नेक्स्ट, जो प्लॉटिंग ऑफ पैलेसेस एंड टेंपल्स एंड बाजार्स। इसके अंदर विजयनगर साम्राज्य के अंदर उन रिमेन्स से, कुछ अवशेषों से ये जुटाने का प्रयास किया गया कि कौन कौन सी वो चीज़ें हैं जो विजयनगर साम्राज्य के अंदर पहले वहाँ विद्यमान थी, जैसे कौन कौन से मंदिर थे, बाजार की व्यवस्था कैसी थी, और इसके अलावा वहाँ पर जो मंदिर थे उनकी बनावट शैली कैसी थी, उन मंदिरों में क्या क्या गतिविधि होती थी, उनके अवशेष जुटाने का प्रयास किया गया है। जैसे कि इसमें देखने से पता लगता है कि विभिन्न तरह के अवशेषों से कि लकड़ी के जो अवशेष हैं वो तो बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन जो धातु से संबंधित हैं या पत्थरों के जो अवशेष हैं उनके कुछ अवशेष अब तक भी बचे हुए हैं और वो काम में जुटाए जा सकते हैं। इसके लिए बहुत सी गतिविधियां अंजाम दी गई थी, वो आप इस तरह से समझ सकते हैं। वी गॉट इन्फॉर्मेशन बाय द ट्रेवलर्स अकाउंट एंड इंस्क्रिप्शंस, इनिशियल सर्वेज बाय मैकेंजी। इसमें हम देख सकते हैं कि जो मैकेंजी की जो सर्वे है, मैकेंजी के द्वारा जो सर्वेक्षण किया गया है वो बहुत ही काम की चीज़ है। उससे हम समझ सकते हैं कि इस तरीके का उनका योगदान रहा, और इसको हम देखने से समझ सकते हैं कि विजयनगर साम्राज्य के अंदर क्या क्या चीज़ें रही और उनकी उनका जो काम था वो बहुत अच्छा था। इसमें हम देख सकते हैं कि जो ट्रैवलर्स हैं, जितने भी ट्रैवलर्स उस दौरान आए या फिर बाद में जो ट्रैवलर्स आए, उन्होंने विभिन्न लोगों से सुन करके और अपने 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 वृत्तांत लिखे या ऑब्जर्व करके ये वृत्तांत लिखे। उन वृत्तांतों से ये बात पता चलती है कि विजयनगर साम्राज्य के अंदर कौन कौन सी भवन होते थे और उन भवनों के अंदर किस तरह का यूज़ पर्टिकुलर जो वहाँ की जनता क्या यूज़ में लेती थी। इसके अंदर आगे देखिएगा, दिस पैलेस कैम अंडर प्रोटेक्शन ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एंड कर्नाटका एंड म्यूजियम इन 1920 सेंचुरी। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो पहला इसके अंदर जो प्रोटेक्शन का काम मिला, इसको सुरक्षा या संरक्षा की जो बात आती है, इसके अंदर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जो विभाग है हमारे देश के, भारतीय पुरातत्व की जो विभाग है, इसने सबसे पहले इसको संरक्षा प्रदान की, और उसके साथ साथ कर्नाटक के आर्कियोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट है वहाँ ने, उसने भी इसको संरक्षा प्रदान की और इसको एक म्यूजियम के अंदर जो इसके यहाँ से मिली हुई चीज़ें हैं उनको एक संरक्षण प्रदान करने के लिए म्यूजियम भी वहाँ पर बनाया गया। तो ये सब गतिविधियाँ एक साथ की गई हैं, और ये कब की गई हैं, 20 सेंचुरी जो है उस दौरान ये सब किया गया, 20वीं सदी के अंदर। हम्पी वाज रिकॉग्नाइज्ड एज अ साइट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस इन 1976 के अंदर हम्पी को एक राष्ट्रीय महत्व का स्थान हमारी भारतीय सरकार के द्वारा घोषित कर दिया गया। इसके बाद एन इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट वाज लॉन्च्ड इन अर्ली 1980 के पूर्वार्ध के अंदर, 1980 के दशक की शुरुआत के अंदर यहाँ एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया। इस प्रोजेक्ट पे काम इस तरीके से होना था कि विभिन्न देशों से जितने भी ट्रैवलर्स यहाँ पर आए, जो भी इतिहासकार या फिर आर्कियोलॉजिस्ट जो इसमें योगदान करना चाहते थे, सारे विश्व से विभिन्न देशों से आने वाले लगभग एक दर्जन से ज़्यादा लोग इसमें शामिल हुए और उन्होंने अपने अपने प्रयास इसमें शामिल किए, उनका योगदान बहुत अच्छा रहा। इसमें आगे देखिए क्या किया उन्होंने, द एक्सरसाइज ऑफ मेकिंग मैप इन ए स्मॉल पार्ट ऑफ द लार्ज प्रोसेस। इस एक बड़ी
प्रक्रिया के अंदर सबसे पहला काम किया गया, इस पूरे स्थान की मैपिंग सिस्टम बना दिया गया, यानी मैप बनाया गया, इसमें मानचित्र तैयार किया गया। हॉल ऑफ एरिया डिवाइडेड इनटू 25 स्क्वायर्स, पूरे ही एरिया को 25 स्क्वायर्स में डिवाइड किया गया और प्रत्येक स्क्वायर्स को एक अल्फाबेट के रूप में उसको डिजाइन कर दिया गया, यानी अल्फाबेट उसके अंदर मार्क कर दिया गया और प्रत्येक अल्फाबेट से बने हुए उस वर्क को और आगे टुकड़ों के अंदर बांट दिया गया, यानी उसके सब डिवीजन कर दिए गए और इस तरह से छोटे छोटे स्क्वायर बहुत ज्यादा बन गए। दिस स्मॉलर स्क्वायर डिवाइडेड इंटू द सेट ऑफ इवन स्मॉलर स्क्वायर, यानी बहुत ज्यादा छोटे स्क्वायर्स बना दिए गए। इसके बाद टिन श्राइन्स, रेजिडेंस, एलेबोरेट टेंपल्स, रिमेन्स एंड ट्रेवलर्स हेल्प अस, इसमें बताया गया है कि छोटे छोटे जो तीर्थ स्थानों के अवशेष थे या जो रेजिडेंस थे, निवास के अवशेष थे, और जो एलेबोरेट टेंपल्स थे, जो बड़े बड़े मंदिरों के जो अवशेष थे, उन अवशेषों से इस तरह की जानकारी जुटाने का प्रयास किया गया। और इसके अलावा ट्रेवलर्स ने भी इसमें बहुत बड़ी मदद पहुंचाई है, जो उनका अकाउंट उनके द्वारा लिखा गया था उनकी जानकारी को भी जुटाया गया। Dozens of scholars worked to compile and preserve this information. इसके अंदर बताया गया कि दर्जनों विद्वान जो कि विश्व के अलग अलग कोनों से संबंधित थे, उन्होंने इसमें कंपाइलिंग का काम कराया, जो डॉक्यूमेंटेशन का काम इसमें किया गया, जो भी अवशेष प्राप्त होता था उसको दस्तावेजों में लिख दिया गया ताकि आगे उसको प्रिजर्व हो सके, इस इतिहास को या इस हिस्ट्री को, इससे रिलेटेड हिस्ट्री को, जो विजयनगर अम्पायर से संबंधित जो हिस्ट्री है उसको प्रिजर्व किया जा सके, आगे आने वाली पीढ़ी उसको जान सके। और इसको, इस इंफॉर्मेशन को अब सदा के लिए संरक्षित कर दिया गया है। और हमने देखा इसके अंदर, एक बार आप फिर देख सकते हैं कि इसके अंदर बाजार, इसमें मंदिरों को और जो महलों को किस तरह से वहाँ पे बनावट, उनकी शैली क्या थी, कितने स्थान में उसमें घेरा गया था, इस तरह के अवशेषों को जुटाने के लिए विभिन्न यात्रियों के जो मतलब अकाउंट्स देखे गए हैं उनको पढ़ा गया है, इंस्क्रिप्शंस की जानकारी ली गई, अभिलेखों को भी पढ़ा गया है। और जो शुरुआत में जो सर्वेक्षण किया गया था वो मैकेंजी के द्वारा किया गया। मैकेंजी ने इसमें क्या क्या काम किया गया था, इस प्लेस को उस समय जब मैकेंजी काम कर रहे थे तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का संरक्षण प्रदान हुआ इसे, और कर्नाटक के आर्कियोलॉजिकल सर्वे डिपार्टमेंट ने भी इसमें योगदान दिया और एक म्यूजियम भी यहाँ पे स्थापित किया गया, जो यहाँ की महत्वपूर्ण चीजें थी उसको संरक्षित करने के लिए। इसके बाद इसको हम्पी को, जो कि विजयनगर का दूसरा नाम है, हम्पी को राष्ट्रीय महत्व का स्थान 1976 में डिक्लेयर किया गया। उसके बाद एक बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया 1980 के अंदर, इसको एक संरक्षित और सुरक्षित स्थान के रूप में या इसके इतिहास को संरक्षित करने के लिए, किसकी जानकारी जुटाने के लिए ये सब किया गया। इसमें क्या क्या किया गया था, इससे संबंधित मानचित्र तैयार किया गया, उस मानचित्र के अंदर प्रत्येक जो जगह थी उसके स्क्वायर्स बना दिए गए, उसको टोटल 25 स्क्वायर्स के अंदर इसको डिवाइड किया गया और 25 स्क्वायर्स को और ज़्यादा छोटे टुकड़ों के अंदर डिवाइड किया गया और उसको अल्फाबेट से उसको डिजाइन किया गया, अल्फाबेट उसके अंदर माना गया। दिस स्मॉलर स्क्वायर्स डिवाइडेड इनटू सेट ऑफ इवन स्मॉलर स्क्वायर्स, छोटे स्मॉलर स्क्वायर्स के अंदर इसको डिवाइड गया है। और इस तरीके से यह मानचित्र बहुत ही बड़ा योगदान देता है जानकारी प्राप्त करने में, उसको समझने में। इसमें ये छोटे छोटे जो श्राइन्स थे उनकी जानकारी निकल के सामने आई, रेजिडेंस थे, निवास की, और मंदिरों की जो भी निर्माण शैली थी या उसकी बनावट के अवशेष थे उसको पता चला। इसके बाद आगे बताया गया है कि बहुत से स्कॉलर्स जो विश्व भर के क्षेत्र से इसमें अपना योगदान देने के लिए आए थे, उन्होंने अपना योगदान दिया और यहाँ की जो इस हिस्ट्री को प्रिजर्व करने में हमारी मदद की। ये सब वो तरीके हैं जिनसे हम पता लगाते हैं कि विजयनगर साम्राज्य के अंदर मंदिर और वहाँ पर जो बाजार और जो महल होते थे तो उनकी क्या बनावट शैली थी, कितने क्षेत्र में फैले हुए थे, कौन मतलब किस किस चीज, किस जैसे महल का काम क्या होता था, मंदिर का क्या काम क्या होता था, मार्केट का किस तरीके से यूज किया जाता था और किन किन वस्तुओं की बिक्री होती थी, यहां तक कि इनकी जानकारी जुटाने के लिए इससे संबंधित वृतांत लिखे गए हैं। धन्यवाद।